अमरावती में 21 जून को हुई उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी जांच अब एनआईए को हैंडओवर कर दी गई है। आरोपियों की कस्टडी भी अब एनआईए को दे दी गई है, यानी अब पूरे मामले की जांच एनआईए ही करेगी। इसके पहले तो ये अमरावती का सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन है, इसके पास ये जांच थी। पिछले 14 दिनों से ये पुलिस जांच कर रही थी इस पूरे मामले की, हालांकि उस पर सवाल भी खड़े हुए थे, मामले को दबाने का आरोप भी लगा था, लेकिन अब अंततः जो है कोर्ट के आदेश के बाद अब इस पुलिस स्टेशन से जांच जो है वो सीधा जो है अब एनआईए को ट्रांसफर कर दी गई है। इससे पहले अमरावती पुलिस की जो टीमें हैं वो काम कर रही थी। सीपी जो डॉक्टर आरती सिंह है, उन्होंने अपनी सफाई में कल ये कहा था कि हमने नूपुर शर्मा एंगल इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया क्योंकि इससे मामला संवेदनशील था, अमरावती में माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए हमने डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन सवाल ये कि अगर डिस्क्लोज कर देते तो शायद राजस्थान में उदयपुर जा जो कांड आया वो शायद नहीं होता और कन्हैया लाल की जान बच जाती। दूसरी अहम चीज़ कि जिस तरह से इस पुलिस स्टेशन में एनआईए की एंट्री 2 जुलाई को होती है, 2 जुलाई को एंट्री होती है, कई घंटों तक सभी आरोपियों से पूछताछ की जाती है और ख़ास तौर पर इरफान शेख जो पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड का उससे पूछताछ की जाती है, और उस पूछताछ के बाद एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी। उस जांच की तेज करने के बाद जब कस्टडी खत्म हो रही थी कल आरोपियों की, उसी दौरान एनआईए ने अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दी और साथ ही साथ आरोपियों की अर्जी देकर कस्टडी मांगी और केस को ट्रांसफर करने की भी अर्जी दी। तो कुल मिलाकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर अब मामला एनआईए को ट्रांसफर हो चुका है और एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेगी, इसके तह तक जाने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या इसका कहीं और से लिंक है, क्या उदयपुर से इसका कनेक्शन है, किसी आतंकी संगठन या पाकिस्तान से इसका कोई कनेक्शन है। ये सब अब निकालने का काम, परते खंगालने का काम, कड़िया जोड़ने का काम एनआईए की टीम करेगी। लेकिन फिलहाल एनआईए के पास 8 जुलाई तक का वक्त है और 8 जुलाई को उन्हें मुंबई में कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश करना है। तो ऐसे में एनआईए चाहती है कि अमरावती में जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है इससे पहले खत्म करके तभी आरोपियों को लेकर मुंबई रवाना हुआ जाए। कैमरा तबरेज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, अमरावती।